हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लाई हूँ एक बहुत ही रिफ्रेशिंग और एनर्जेटिक समर ड्रिंक, कोकोनट पंच। वो भी बनाएंगे हम बिल्कुल आसानी से घर पर। तो चलिए, सबसे पहले यहाँ मैंने एक पानी से भरा हुआ नारियल लिया है। इस नारियल को कट करके इसका पानी अलग निकाला है और छान कर एक अलग ग्लास में निकाल लिया है। यहाँ लगभग 1 से 1.5 ग्लास मेरे पास कोकोनट वाटर है। अब पंच बनाने के लिए हमें फ्रेश मलाई चाहिए। इसके लिए 2 मैंने नारियल मलाई वाले पहले से ही ले लिए थे। अब उनकी मलाई को हम बहुत ही आसानी से इस तरह से, जो नारियल का छिलका मुझे नारियल वाले भैया ने दिया था, उससे भी निकाल सकते हैं, या फिर इस तरह से हम चाकू या पिलर की मदद से भी अलग निकाल सकते हैं। बस ध्यान रहे, जो रेड वाला पोर्शन होता है मलाई से चिपका हुआ, वो हमें यूज़ नहीं करना है, उसको हमें अलग रहने देना है। मेरी लगभग 1 कटोरी मलाई भी बनकर तैयार है। अब लेंगे मिक्सर ग्राइंडर, उसके अंदर यहाँ मैंने सारी मलाई नहीं ली है, लगभग 1 टेबल स्पून मलाई मैंने बचा ली है। अब उसके अंदर यहाँ मैंने थोड़ा सा कोकोनट वाटर और शुगर ऐड किए। आप शुगर को मिश्री से भी रिप्लेस कर सकते हैं, ये और भी हेल्दी वर्जन हो जाएगा। अब बचा हुआ कोकोनट वाटर हम इसके अंदर ऐड करेंगे और फिर से एक स्मूथ जूस सा हम इसका तैयार कर लेंगे। देखिए कितना अच्छा हमारा पीस कर ये कोकोनट मंच तैयार हो रहा है। अब जो बची हुई मलाई थी, उसको हम चाकू की मदद से इस तरह से रफली थोड़ा सा बारीक कर लेंगे। बहुत ज़्यादा बारीक भी नहीं करेंगे, थोड़ा सा क्रंच हमारे पंच के अंदर रहे इसके लिए। तो चलिए अब बारी है सर्विंग की। यहाँ मैं 2 सर्विंग ग्लासेस ले रही हूँ और उसके अंदर जो ब्लेंड करके हमने पंच तैयार किया है उसे ऐड करेंगे। और अब इसके अंदर जो क्रश करके मलाई हमने रखी थी उसे थोड़ा सा ऊपर से ऐड करेंगे, हल्का सा इसे एक मिक्स देंगे और हमारा रिफ्रेशिंग ड्रिंक बहुत ही टेस्टी हेल्दी बनकर तैयार है। आप भी इस रेसिपी को ज़रूर बनाइए और अपने व्यूज़ मेरे साथ शेयर कीजिए। थैंक यू। जय जिनेंद्र।